हेलो फूडीज़, वेलकम टू कुक विद लिपी। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप लोग फटाफट देख सकें। आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाई पनीर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग इसे लंच या डिनर किसी भी टाइम में बना सकते हैं। इसे आप रोटी नान किसी के साथ भी आराम से खा सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग फटाफट बना सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में बनता है वैसे ही आप लोग घर में बना के एकदम फटाफट बना के खा सकते हैं और आप लोग को ये खाना भी बहुत अच्छा लगेगा और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत कम ही ऑयल में ये बन भी जाएगा आप लोग का और एकदम मार्केट जैसा लगेगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है, देखिए स्लाइस स्लाइस काट दिया है। और उसके बाद मैंने कैप्सिकम लिया हुआ है, एक बड़ा कैप्सिकम लिया हुआ है, उसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और दो प्याज लिया हुआ है, उसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। हम लोग को ऐसे ही काटना है। अभी मसालों के लिए मैंने दो प्याज को काटा हुआ है और लहसुन कुछ लिया हुआ है, काजू लिया हुआ है और टमाटर लिया है। इसमें पहले हम लोग टमाटर, लहसुन और प्याज और ये सब डाल के पहले हम लोग काजू जो डाल देंगे, मिर्च को थोड़ा देर बाद पीसने के बाद फिर डाल के उसको ग्राइंड कर देंगे ताकि वो जो जैसे चिल्ली फ्लेक्स रहता है ना वैसे रहने से वो टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए फिर मैंने उसको डाल के फिर उसमें मिर्च डाल के पीस लिया और ये अभी ग्राइंड हो गया है। देखिए उसके लिए देखिए मैंने कुछ मसाला लिया हुआ है। मैंने इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च लिया हुआ है। और इसमें हल्दी मैंने आधा टीस्पून इसमें लिया है। आप लोग हल्दी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें मैंने तीन चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। देखिए आप लोग हो सके तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, मैंने सरसों तेल का यूज़ किया हुआ है। देखिए मैंने कढ़ाई गरम हो गया था, मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें ऑयल डालने के बाद इसमें हम लोग पनीर डाल देंगे। हल्का इसको फ्राई करना है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का बस इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग चाहे तो बिना फ्राई करके भी डाल सकते हो, मगर थोड़ा फ्राई करने से इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और क्या, इसको फिर निकाल देना है। हल्का फ्राई हो जाने के बाद इसको हम लोग निकाल देंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये हल्का हम लोग का फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है मैंने, उसके बाद निकाल दिया है। उसमें में ऑयल है, उसी ऑयल में मैंने प्याज और कैप्सिकम को डाल दिया। इसको भी हम लोग को हाफ, मतलब कच्चा कच्चा, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हल्का थोड़ा पकेगा बस, इसको थोड़ा पकने के बाद निकाल दिया है। देखिए ये भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद इसमें मेरा कढ़ाई, अभी उसी कढ़ाई में मैंने जितना बचा हुआ था तेल जो वो मैं डाल दूँगी। मैंने थोड़ा ऑयल डाल के ही वो पनीर और कैप्सिकम प्याज ये सब फ्राई किया था और बाकी जो ऑयल है उसको मैं डाल के अभी इसका मसाला रेडी करूँगी। बस आपका तीन ही चम्मच ऑयल में, अगर आप लोग छोटा चम्मच ले रहे तो तीन चम्मच लीजिए, अगर आप लोग बड़ा चम्मच से ले रहे हैं तो आप लोग दो चम्मच तेल लीजिए, उसी में आप लोग का बन जाएगा। अभी मैंने जो इसका पेस्ट बना के रखा था, मसाला जो बना के रखा था, उसको डाल देना है ऑयल गर्म होने के बाद और इसको अच्छे से आपको चलाना है। हम लोग काजू और टमाटर डाले हुए हैं इसीलिए इसका कलर हम लोग का अच्छा आ रहा है। और इसके बाद मैंने थोड़ा ये मसाला भून गया है, थोड़ा उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला। उसके बाद जो हम लोग सूखा मसाला लिए हुए थे उसको भी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा देरी मिक्स होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे। देखिए मैं कैसे इसको चला रही हूँ। देखिए ये थोड़ा देरी फ्राई हो चुका है, हम लोग का मसाला फ्राई होने आ गया है और बस और थोड़ा देरी हम लोग ऐसे चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देखिए ये मेरा पूरा पक के रेडी हो गया है, मसाला रेडी हो गया है। अभी इसमें हम लोग पनीर, कैप्सिकम और प्याज एक साथ इसको डाल देंगे और डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिलाएंगे।
ये देखिए। और उसके बाद मिलाने के बाद इसमें हम लोग एक गिलास जैसे हम लोग इसमें पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा देर ढक के पकने के लिए हम लोग रख देंगे। देखिए इसमें चिली फ्लेक्स आ रहा है ना, दिख रहा है ना चिली फ्लेक्स, वैसे ही अभी देखिए ये उबाल आ रहा है इसमें। हम लोग ऐसे ही इसको पकने देंगे। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होने आ गया है, अभी हम लोग का थोड़ा पक चुका है। हम लोग थोड़ा बस कैप्सिकम और प्याज को थोड़ा पकाएंगे। अभी हम लोग का ये रेडी ही हो चुका है, पूरा ग्रेवी रेडी हो चुका है। देखिए अभी हम लोग इसको सर्व कर लेंगे, एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने सर्व कर लिया है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, वैसे ही आप लोग का भी कढ़ाई पनीर उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर आप लोग मेरा इस वीडियो देख के बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, तो आपका भी कढ़ाई पनीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दिखने में भी टेस्टी दिखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को फटाफट मिल सके। अगर आप लोग को मेरा और भी कोई रेसिपी देखना हो तो फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को और कौन सा मेरा रेसिपी देखना है और कौन सा वीडियो आप लोग को, तब ताकि मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो ला सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।